तो गाइस आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एडसेंस के एक प्रॉब्लम के बारे में जो कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है और हो सकता है आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम आपको कभी ना कभी फेस करनी पड़े। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप एडसेंस का यूज़ आपके यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए या फिर आपकी वेबसाइट पर एड्स लगाने के लिए या फिर अपने एप्लीकेशन पर एड्स लगाने के लिए कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है बहुत से लोगों के संग क्या हो रहा है कि जो उनका यूट्यूब चैनल है या फिर उनकी वेबसाइट है या फिर उनके जो एप्लीकेशन है उन पे एड्स आना बंद हो जाती हैं, लेकिन वहाँ पे अगर वो लोग अपने एडसेंस को चेक करते हैं तो उनका एडसेंस डिसेबल नहीं होता है, उनका एडसेंस जो है पूरी तरीके से ठीक होता है। बट जो एड्स होती हैं वो एप्लीकेशन के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर और यूट्यूब चैनल के ऊपर बंद हो जाती हैं। तो जो आपकी वेबसाइट या फिर आपके एप्लीकेशन वाला जो एडसेंस होता है उसमें जो पेज व्यूज़ होता है वो ज़ीरो हो जाता है, इंप्रेशन जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है, सीपीसी वगैरह सब कुछ ज़ीरो हो जाता है, वहाँ कुछ भी शो नहीं करता है। और जो आपका मतलब वेबसाइट है उस पर जो है जहाँ पर आपने एड्स लगा रखे हैं वो सब जो है वाइट वाइट कलर के हो जाते हैं, वहाँ पर कोई भी एड्स नहीं आती है। तो उसके बाद जो है लोगों को लगने लगता है कि जो उनकी वेबसाइट में उन्होंने एड कोड लगाया है या फिर एप्लीकेशन के अंदर जो एड कोड लगाया है शायद वो गड़बड़ होगा। और ऐसे में ये वो लोग क्या करते हैं कि बार बार जो है अपने एड्स कोड को बदलते हैं फिर भी जो है वहाँ पे कोई भी एड्स नहीं आ पाती है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है आती है यूट्यूब वालों के साथ जिन्होंने काफ़ी लंबे समय मेहनत की होती है यूट्यूब चैनल के ऊपर, तब जाके जो है उनका चैनल मोनेटाइज हो पाता है एडसेंस के साथ। और जब उनके चैनल पर एड्स नहीं आती तो उनको पता भी नहीं चलता है कि उनके चैनल पर एड्स आ रही है या नहीं आ रही है, क्योंकि अब जो है यूट्यूब का कोई भी डाटा जो है एडसेंस के ऊपर अपडेट नहीं होता है। जैसे कि पहले पेज व्यूज़ अपडेट होता था, इंप्रेशन अपडेट होता था, बट अब जो है यूट्यूब का कोई भी डाटा अपडेट नहीं होता है एडसेंस के ऊपर। और जो अगर आपका यूट्यूब वाला एडसेंस होगा तो वहाँ पे सब कुछ जीरो जीरो ही रहता है। तो ऐसे में अगर आपके चैनल पे एड्स नहीं आती है तो भी आपको पता नहीं चलने वाला है कि आपके चैनल पे एड्स आ रही है या नहीं आ रही है। ये पता कब चलता है, जब आप जाके अपने क्रिएटर स्टूडियो में जाके अपनी अर्निंग देखते हैं पर डे की, तो वहाँ पर सब कुछ जीरो जीरो या फिर आपकी अर्निंग कम होती हुई आपको नज़र आती है। तो ऐसे में आपको पता चलता है कि आपके जो है एड्स वगैरह बंद हो चुकी हैं। और जब भी आप अपना एडसेंस चेक करते हैं तो वहाँ पर सब कुछ ठीक होता है और आपको पता ही नहीं चल पाता कि आखिर ये एड्स क्यों बंद हुई हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है वो क्या है और कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये प्रॉब्लम जो है कुछ समय पहले हमारी वेबसाइट के ऊपर आई थी, और जैसा कि आप यहाँ पे हमारी वेबसाइट को देख सकते हैं जहाँ पे आपको वाइट कलर का दिखाई दे रहा है वहाँ पर ये एड्स लगी हुई हैं सब जगह पर। और जैसे कि आप यहाँ पे बॉक्स देख पा रहे हैं यहाँ पे भी एड्स लगी है, यहाँ पे भी एड्स लगी हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी एड शो नहीं हो रही है, ये पूरा वाइट कलर का शो हो रहा है। और इसी तरीके से जो है पोस्ट के अंदर भी कोई भी एड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो जैसा कि आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि कोई भी एड्स जो है नहीं आ रही है इस समय। और इस वेबसाइट का जो एडसेंस है वो पूरी तरीके से ओके है और जो एड कोड वगैरह इसमें लगे हैं वो भी पूरी तरीके से ओके है। तो चलिए मैं आपको एडसेंस भी दिखा देता हूँ इसका। तो यहाँ पे जो एडसेंस है वो देखिए ठीक है, मतलब ओपन हो रहा है, डिसेबल नहीं है। और ये देखिए जो अर्निंग है वो जीरो जीरो यहाँ पे हो चुकी है। तो अब बात कर लेते हैं प्रॉब्लम के बारे में, तो प्रॉब्लम के बारे में बता देता हूँ आपको। तो गाइस ये जो प्रॉब्लम होती है जिसमें आपका एडसेंस इनेबल होता है बट आपके यूट्यूब चैनल पे या आपकी वेबसाइट पे या फिर आपके एप्लीकेशन पे एड्स शो नहीं होती है, तो उसका सिर्फ एक ही रीज़न होता है यहाँ पे कि आपका जो एडसेंस है उसमें आपको बोला गया होता है कि आप अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करिए। तो कुछ इस तरीके से देखिए नोटिफिकेशन आपको दिया जाता है, वेरीफाई योर आइडेंटिटी टू रिसीव पेमेंट्स, और यहाँ पर आपको वेरीफाई नाउ का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसमें जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करके अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं कुछ समय तक तो आपके यूट्यूब या वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन की जो एड्स होती है वो एडसेंस बंद कर देता है और इसके लिए जो है वो कोई मेल भी नहीं करता है। लेकिन वेरीफाई करने के लिए आपको एक मेल ज़रूर भेजा जाता है। तो चलिए मैं आपको मेल भी दिखा देता हूँ और कुछ बातें और भी बताता हूँ इसके बारे में। तो देखिए इस तरीके का मेल आता है एडसेंस का जिसमें लिखा होता है यू नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। तो मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, अगर आप चाहें तो मेल को पढ़ सकते हैं। तो इसमें लिखा होता है कि आपको जो है आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई करने की ज़रूरत है यहाँ पे, और आप चाहें तो कोई भी मतलब आपके पास गवर्नमेंट का जो आईडी कार्ड है उससे वेरीफाई कर सकते हैं, चाहे तो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वगैरह हो, ठीक है, उस तरीके के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उससे आप जो है अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा होता है कि अगर आप जो है अगर वेरीफाई नहीं करेंगे तो आपकी जो है एड्स वगैरह बंद हो जाएंगी। यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा होता है कि आपको अगर पेमेंट चाहिए तो आपको अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होगी। लेकिन एडसेंस के अंदर जो है आपको इस तरीके का नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है जिसमें लिखा होता है कि आपकी जो एड्स यूनिट है अब वो आपकी एड्स को नहीं दिखाएंगी क्योंकि आपने अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई नहीं किया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे भी कुछ इस तरीके का मैसेज आया था, बट अभी मैंने इसे रिसॉल्व कर दिया है, मतलब कि अपनी आइडेंटिटी को मैंने वेरीफाई कर लिया है और अभी यहाँ पे रिसॉल्व लिख के आ रहा है। और जो ग्रीन कलर का जो सिंबल होता है वो भी आप यहाँ पे ईजिली देख सकते हैं। तो आइडेंटिटी वेरीफाई कैसे करते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, फिलहाल मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें और भी बताने वाला हूँ। ज़्यादातर एडसेंस आपको तब वेरीफाई करने के लिए बोलता है जब आप अपने एडसेंस के अंदर अपने नाम को चेंज करते हैं
हैं, एड्रेस को चेंज करते हैं या फिर कुछ और चीज़ों को चेंज करते हैं, तब एडसेंस को ऐसा लगता है कि कहीं आप जो है आपके एडसेंस का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे हैं, या फिर आपने अपने एडसेंस को किसी और को तो नहीं दिया, या फिर कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि अपने एडसेंस को किसी और को बेच रहे हैं। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए एडसेंस क्या करता है, आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई कराता है ताकि वो आपको वेरीफाई कर सके कि आप ही अपने एडसेंस को यूज़ कर रहे हैं। तो आपको जब भी एडसेंस की तरफ से वेरीफाई करने का मेल आए या फिर आपको एडसेंस में वेरीफाई करने का ऑप्शन दिखे, तो 15 से 20 दिन के अंदर जो है अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर लीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी एड्स वगैरह बंद हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे घबराने की बात नहीं है। मान लीजिए आपके एड्स वगैरह बंद हो गए हैं और उसके बाद आप अपनी आईडी को अपलोड करते हैं, तो आईडी अपलोड करने के 24 से 48 घंटे बाद आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाती है, और जब आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी तो उसके एक दिन बाद जो है आपकी सारी एड्स वगैरह दोबारा चालू हो जाएंगी। तो यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, जैसे आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई होगी दोबारा से आपके एड्स वगैरह चालू हो जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ, देखिए ये जो आईडी वेरिफिकेशन है उसका पिन वेरिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने पिन को वेरीफाई कर रखा है और आपके में आता है आईडी वेरीफाई करने के लिए, तो आपको अपनी आइडेंटिटी को वेरीफाई करना होगा। और मान लीजिए आपका पिन वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है लेकिन आपके एडसेंस में आता है आईडी वेरीफाई करने के लिए, तो आपको आईडी तो वेरीफाई करना ही है, उसके बाद जब आपके $10 हो जाएंगे तो आपको पिन भी वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है और दोनों को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा अगर दोनों के लिए ऑप्शन आता है। तो पिन तो वेरीफाई करना ही करना है $10 के बाद, लेकिन अगर आपको आईडी वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिया जाता है तो आपको आईडी भी वेरीफाई करनी ही होगी। तो आई होप गाइस कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।